भागलपुर गोराडी थाना क्षेत्र में 14 जून की रात सुमेश मंडल की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर गोराडी पुलिस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही थी। इसी दौरान बीती रात गोराडी पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई, जिसके बाद सभी लोगों के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं बल्कि पिटाई के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल भी डाल दिया और बिजली का झटका भी लगाया। पुलिस की पिटाई से पीड़ित लोगों ने बताया कि वह सब दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। पीड़ित लोगों ने बताया कि सोमवार की रात वह अपने घर में सोए हुए थे, तभी देर रात हत्या के मामले में पूछताछ करने गोराडी पुलिस उसे घर से उठाकर थाने ले गई, जहां सभी लोगों ने घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने उन सब लोगों के हाथ पैर बांधकर करंट लगाया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कबूला, तब एक व्यक्ति को पिछवाड़े में पेट्रोल डालकर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हुए जमकर पिटाई की। गोराडी पुलिस के इस रवैये से पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश है। बता दें कि गोराडी पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था उसमें गोराडी गाँव के ही धनेश्वर दास, अम्बेडकर दास, फुलेश्वर दास, संजीत दास, कन्हैया दास और संतोष दास शामिल है। फिलहाल पुलिस की पिटाई से जख्मी सभी घायल का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित 7 व्यक्ति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बड़ा बाबू और छोटा बाबू दोनों ने एक रूम में बंद कर हम लोगों को जानवर की तरह पीटा है, जबकि हम लोग निर्दोष हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह की बर्बरतापूर्ण पुलिस का रवैया कहां तक सही है। इधर इस पूरे मामले को लेकर सिटी SP राज ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है और दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। बाबू हमरा नहीं पता मालूम कुछ और नहीं बाबू, 2 बजे भरो पर अले उठा के ले चलो अगले के लिए। बाबू हमें की गलती कर रहे, चिकन है उठा के ले जा रहे कौन ले गया तो? बड़ा बाबू छोटा बाबू नाम बाबू नहीं था कौन था गोरेडी था आपका घर कहां गोरेडी जी बाबू उठा के ले चलो अगले माँ के लिए की गलती करके बाबू बोलते चलो तुमको पूछ जाँच करें के लिए ठीक है माँ के लिए बाबू पूछ जाँच करी कि ना एक थोड़ा रूमों में बंद कर लेते बाबू बंद करी पिछला हाथ बोन्ही का पैरों में बोन्ही चढ़ी बाबू अन्हा मुन्हा 200 डंटा से बेसी मरते बाबू हालत खराब कितना मरल बाबू और क्या कहते हाँ बाबू नंगा करी बाबू पेट्रोल गाड़ी छिटल बाबू पेट्रोल जल्दी नाम बता के लिए केकरो नाम बते बाबू क्योंकि सुमेश मंडल का जो मर्डर हुआ रे इसलिए बाबू हमारा कोई ताल्लुक नहीं बाबू नहीं कोई मतलब हमें गरीब आदमी 500 बाल बच्चा जी बाबू कमाएल जा कमा के अभी तो अपना घर से नाता बाबू हमारा घर से कोई नाता नहीं बाबू हम केना ठीक होने की बतैं पत्नी देव सब चीज कबूलिए दिल कि व्यापारी मंडल ने हमारे पति के मारल हमारा निकली जानवे जबकि 20-25 घर दूरी में हमारे घर थी बाबू आ उठा पुठा बेर भीस मार मारल हाँ बाबू अखनी अनो हालत छ 5 बाल बच्चा हमें केना पोसे बाबू आदमी को खाया 5-6 आदमी उठेल 7 आदमी का सबको मार पीट किया सबका बाबू यहाँ निकल मारल ना पे अब ओकरा निक तो नहीं कहें बाबू लेकिन हमारा पेट्रोल दे बाबू मारल गाड़ी में नंगा करी बाबू अंदरों में उठो रूमों में तो बंद करी माँ रखा हाँ गोराडी पुलिस बाबू क्या नाम हमरो धनेश्वर दास नाम बोला घर में सुतलो हलिए और 12 बजे रात का अलिए वहाँ से थाना से आदमी कौन थाना से गोराडी थाना से और ओकर बाद उठा के लेके चलो गए यहाँ से और ले जाके वहाँ पर पूछताछ मार दिया लगले अब हम बोले रहिए कि बताओ किसने इसको मारा है तो हम जानते नहीं लेकिन की बतेबे कहीं नहीं बताओगे तो मार के तुमको बर्बाद कर देंगे बस पुलाल के गोड़ों में और एक चितलों में खूब पुरकर से मार लिखे और ओकरा बाद फोन पूछा लग लिया फोन कहिए नहीं हम किसी का नहीं जानते हैं किसका नाम बताएं हम किसी का नाम नहीं जानते हैं कि नहीं बताओगे किसी का नाम बताओ या बोले किसी का नाम बताओ मार कौन बड़ा बाबू संता सुमन बड़ा बाबू बुला रहे हैं का कौन थाना था गोराडी थाना के लिए बाबू ले जाए के कह कि बोलो कि किसने मारा है उसको बोले सर हमें कुछ नहीं जाना चाहिए
किसके ऐसे नहीं होगा, पहले मारो ही सबको तो 200 डंटा तब बताएगा सब। सर हमें जो हम था की भी बता दें पूरा पुस्टांग मार मारना जी हमारा से। कैसे मारा है? बोनी मारला जी हाथ बोनी के एकदम टांग बोनी उठा के दो आदमी लाठी पर चार आदमी डंटा दे के घर गाय मारने की डंगा चले बाबू हमारा। कितना आदमी को उठाया था? 5-6 आदमी उठेला तो एक आदमी वहीं छोड़ी के लगे अभी थाना में छह आदमी आप लोग को पेट्रोल दे के भी मारा है? पेट्रोल दे सर एक आदमी मारना जा हमारा आदमी धमका एक रखे पेट्रोल छीटो इसको तब बताएगा करेंट सटा ये सब को तब बताएगा सर। ये सब हुआ था ऐसा तो करेंट सटाने के लिए सर बोली करेंट सटा तब बताएगा ये सब करेंट ऐसा धमका के रख मारपीट किया पूरा एकदम खूनी लग धरी का। आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुआ है इस संबंध में तत्काल SDPO को संबंधित SDPO को सूचित किया गया है और वो इस पूरे मामले की जांच कर लेंगे और जांच में कुछ जो तथ्य आएगा उसके सामने फिर जो है इसको रखा जाएगा और उसके अनुसार फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोराडी पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की अमानवीय तरीके से पिटाई को लेकर अधिवक्ता राजीव सिंह ने कड़ी निंदा की है और पुलिस के वरीय अधिकारियों से घटना की जांच कराकर दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही अधिवक्ता राजीव सिंह ने मानवाधिकार आयोग को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस जो गौराडी है ये संपूर्ण बिहार के लिए कलंकित का दिन है कि ये जो बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई है ये महज ही कानून में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। उस पुलिस पदाधिकारी पर कड़ी और कठोर कार्रवाई भागलपुर पुलिस पदाधिकारी को करना चाहिए था। इसमें किसी प्रकार की कोई लेट रथीप यदि की जाती है इसमें माना जाएगा हमारे भागलपुर के पुलिस कप्तान भी इसमें अछूते नहीं है। इस तरह बेसमरी से लोगों के साथ मानवीय मैंने यातनाएं दे करके और गलत कहवाना ये कहीं भी कानून में इसको उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मानवाधिकार को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मानवाधिकार इस पर जाना चाहिए और इस यदि इसको कोई न्याय नहीं देता न्यायालय में इनको नासी मुकदमा करना चाहिए। इसका निःशुल्क अधिवक्ता भी बहुत सारे हैं उसका निःशुल्क कानूनी सलाह दे करके उसको न्याय के मंदिर में उसको प्रार्थना के लिए उस दलित जो जिसको अत्याचार किया गया इसको पीटा गया जिसके गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया है वैसे अमानवीय पुलिस के बर्बरतापूर्ण के खिलाफ ये न्यायालय को भी जो इसमें आगे बढ़ चढ़ करके जो यदि कोई आता है तो उसको मदद करना चाहिए। बुधवार को भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल के नीचे बदमाशों ने हथियार के बल पर मकई के फसल को लूट लिया। इस दौरान विरोध करने पर हथियार से लैस बदमाशों ने किसान के ऊपर भी गोलियां फायरिंग कर दी। वहीं गोलीबारी की घटना में किसान बाल बाल बच गए। किसान गणेश यादव ने बताया कि विक्रमशिला पुल के नीचे उसकी अपनी जमीन है जिस पर मकई का फसल लगाया था। पीड़ित किसान ने बताया कि बदमाशों ने जबरदस्ती फसल उसके सामने लूट लिया और विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद पीड़ित किसान गणेश यादव वहां से भागकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद औद्योगिक थाना अध्यक्ष मुरलीदास शाह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इधर सूचना के बाद अंचलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। पीड़ित किसान गणेश यादव का कहना है कि बरारी के ही रहने वाले प्रदीप यादव बोका यादव और पुनपुन यादव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। तीनों ने मेरे ऊपर 3 राउंड फायरिंग भी की है और मेरे आंख के सामने ही मेरी फसल को लूट कर फरार हो गया। किसान गणेश यादव ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि इसको लेकर पहले भी कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर मामले को लेकर थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह ने बताया कि घटना स्थल पर हम लोग कैंप कर रहे हैं और फायरिंग की बात अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। साथ ही उन्होंने ड्रोन कैमरे से निगरानी किए जाने की भी बात कही और कहा कि अर्धसैनिक बलों को भी कैंप पर तैनात किया जा रहा है। गणेश यादव बोले जी कहाँ घर से? बरारी घर से की होलो रे लाज भोरे भोर हमरा पता चले कि हमरो खेतो में मकई लूट हो रहल छे। हम आईडी दौड़लो यहाँ देखे छी तो ठीके करीब करीब 50 आदमी ओकरा आगू में प्रदीप मंडल आरो 3-4 गो बदमाश छे बौका यादव आरो पुनपुन यादव इस सब ने आरो ओकरा सब 5-7 आदमी छे हजूर इसी ने हमरा देखते गोलीबारी करे लगले 3 फायर करके हजूर ओकरा बाद हम भागता भागता बहुत दूर जाकर करीब करीब हम अकेले छे जो भतीजा छे वो डर भागल आदमी से बोले भागो भागो जब गोली फायर दिए हजूर त
तो हम भगड़िए है जो पश्चिम ओकर बाद जब पश्चिम पूरा हम पनी कलर चल गए तब इसी घूरी का फिर सब मकई उठवा हजूर उठवा कुछ बोरिया में जमा कर लें याद बात है हजूर प्रदीप मंडल सब कर हजूर समझौते इस साल भरी से दशा पहले नहीं हजूर पहले हम आसान से फसल उपजा के ले जा लेकिन ये बौका और ये पुनपुनमा इसने प्रदीप मंडल सबसे मेन गैंगस्टर छे हजूर कत्ते वाला गैंगस्टर छे जगह की कोई अंत नहीं है हजूर पूरा नहीं अभी नहीं गलो हजूर लेकिन जेबे करते फर्शबाजी में जेबे करते बच्चा का मर्डर कर ले हजूर तो जेबे करते हजूर बहुत बड़ा कुख्यात है हजूर कोई नहीं समझा पड़ जाए प्रशासन कोर्ट जो आदेश दिलो चले कि वहाँ पे सब उठते हैं वहाँ पे कोर्ट में जमा होते हैं वो हजूर कोई नहीं सुनवाई करके इनका सामने में देखी कि देख लो हलो माल लूटी लेके हजूर थाना के तो कंप्लेन नहीं कर थाना कमे करे हजूर थाना कोई सुनवाई नहीं करी हजूर एकदम आँख मना भी अलो जाए ये हमारा नहीं करे हाँ एफ आई आर करो कम से कम ये भी मुँह से बोली नहीं निकाली एकदम गुम करेंगे आप यहाँ आके बैठलो हलो सर करेंगे ना हजूर चलो अभी यही तो कह रहे थे इनको मुखिया जी कि हम बैठे हुए हमारा एफ आई आर नहीं ले रहा है यही कहा है आपका फसल लूट हो रहा है ये हजूर मनोमन यहाँ का बदमाश गैंगस्टर है उसको अपना रंगदारी मांगता है कि हमको दे दो बांट कर करके तब हम जाने देंगे तुमको पहले भी रंगदारी मांगता था हाँ पहले भी मांगता था और यहाँ आपके तरह कितना आदमी का यहाँ जमीन है हमारा यहाँ इनकम करीब करीब 100 आदमी का जमीन है सबसे उस तरह से मांगता सबसे मांगता सबका फसल रो करके लूट लिया है और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है आवाज़ डर से नहीं उठाता है इतना बड़ा क्रिमिनल है जो डर से नहीं उठाता है मारता है पकड़ के कम से दो चार बार घसघटनी को इतना मार मार है जिसका कि कोई अंत नहीं लोगों लोहा निधान कर दिया है जो लेकिन प्रशासन भी क्या बोला जाए किसी को नहीं घर में बैठाना चाहें एस पी के यहाँ गए हैं डी एम के यहाँ गए हैं यहाँ यही दशा जो है देख लिया जाए लूट में कितना नुकसान हुआ आपको लूट में हजूर कम से कम हमको हजूर 50 लाख का हुआ नुकसान हजूर 50 बीघा जमीन लूटा हुआ हजूर 50 बीघा जमीन जी लूट हुआ क्या फसल था अभी मकई था हजूर पहले भी मौसरी सरसों लूट लिया था हजूर बुधवार को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है मारपीट की घटना में कुछ जूनियर डॉक्टर घायल हो गए जिसके बाद मेडिकल स्टूडेंट ने इसकी शिकायत अस्पताल अधीक्षक से की वहीं घटना को लेकर अस्पताल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सिविल में आए पुलिस कर्मियों के साथ इंटर्न डॉक्टरों की नोकझोंक हुई थी इसी दौरान मारपीट की घटना हुई है जिसकी जांच की जा रही है हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि जांच के बाद ही आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी क्या हुआ था मामला क्या स्टूडेंट लोग आए थे क्या मेरे इंटर्न लोग आए थे वो लोग बोले कि इस तरह की घटना यहाँ घटी है कोई सिविल ड्रेस में थाना का आदमी था वो आकर के कुछ मिसबिहेव किया है मिसबिहेव करने के साथ कुछ मारपीट हुई है जैसा ही लोग बताए एप्लीकेशन दिए हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके बारे में जानकारी हम लोग से लिए ये लोग दिए उस इसके बाद हम पता लगा रहे हैं कि कैसे घटना घट गई अब गार्ड से बुला के पूछना है जो कैजुअलिटी रजिस्ट्रार है उनसे पूछना है क्या घटना घटी इमरजेंसी सीसीटीवी भी तो होगा सर वहाँ वही तो बोल रहे हैं वही तो बताया हम उसके बाद उनसे पूछेंगे ये जैसा बताएंगे उसके बाद सीसीटीवी निकाल के देखेंगे जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे।